चलो कोई ना कोई हल भारत सरकार को कढ़ना चाहिए उन्होंने मंगा जड़िया ने मननिया चाहिए इन शहादत भी हो गई ने यही त्रासदी है बहुत वड्डी ये नहीं होना चाहिए जिहड़ा कुछ हो रहा है ते जो भी गलबात दे विच सारू जिहड़ा हैगा वो हल कढ के ते इस मसले में जिहड़ा है वो बंद करना चाहिए ताकि किसान अपने अपने घर परतन अपने बच्चा चाहन जिहड़े खुदकुशी कर रहे ने उन्होंने कुछ नया दे देखो खुदकुशियां जिहड़ियां साडे सिख धर्म का अंग नहीं है खुदकुशियां नहीं करनियां चाहीदियां ना ही खुदकुशियां दी जिहड़ी है नूं उत्साहित करना चाहिए सिख जिहड़ा खुदकुशी नहीं करता संघर्ष लड़ना लड़दा हुंदा और शहादत दिंदा ठीक है किसानां दा राइट है जी उन्हां दा लोकतांत्रिक हक है पटना साहब आपां गए सी उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब दे भी बहुत सारे स्थान ने क्योंकि शताब्दी आ रही है किस तरह दे प्रोग्राम लेके गए जी उस तरह दे 400 साला प्रकाश पुरब दे संबंध दे विच पुरब दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे काफ़ी स्थान ने बंगलादेश दे विच भी ने पटना साहब दे विच बिहार दे विच भी ने ते इस तों इलावा आसाम दे विच धोबी साहब है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को असी काफ़ी समा पहला गया से कि जिन्हें भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के हिंदुस्तान के स्थान ने क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने स्थान पंजाब तो बाहर पूर्व के ने तो उत्थे वड्डे गुरमत समागम जिहड़े उह कीते जाने चाहिए है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये तैयारियों से लगी हुई असीं तां गुरद्वारा साहब ही रहे सी बाहर के उत्थों के हालात का सानू कोई बहुता पता नहीं नहीं कोई इस तरह नहीं हुई गल तो असीं गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब मना के पटना साहब को आए मसला हल भारत सरकार को करना चाहिए देखते हैं जी सिंह साहब जी बेदबी दी घटनावां काफ़ी सामने आ रही हाल ही अजनाले एक गुरका साहब की बेदबी हुई है बहुत माड़ी गल है लगातार ही चिंता वाला विशा भी है कि बेदबी दी घटनावां जिहड़ियां रोकण दा ना ही नहीं रह रही गौरमेंट नूं जिहड़ा हैगा चाहीदा है कि वध तो वध सख्त सजावां जिहड़ियां बेदबी करन वाले लोकां नूं दित्तियां जाण तां जो जिहड़ा है ये बेदबी दी घटनावां नूं ठल पाई जा सके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई एक्शन नहीं लिया गया अज तक इहनां घटनां दी गल करिए ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहिंदे मेरे ध्यान च नहीं है तो जरूर कहने इन्हों कि जल्दी तो जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जोड़े भी दोषी है उन्होंने फड़ना चाहिए जो फड़े तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थैंक यू।